यह संतोष चौधरी जी, बाबा जी मेरी बेटी को सर का बाल बीच में उड़ गया है, उपाय बताएं, दिल्ली से हूँ। तो ये जो बाल उड़ जाते हैं, इसके लिए एक तो ये हम कहते हैं 5-5 मिनट ऐसे करें, और जो पतंजलि आपको नारियल तेल हमने बताया था, उसमें भिरड़ का छत्ता, ततैया जो होता है, उसके छत्ते को पका लें। पकाते पकाते करीब 1 घंटे में धीरे धीरे आंच पर पकाते हैं तो उसका कलर काला हो जाता है, तो उसको लगा लें तो हथेली की तरह भी यदि गंजा हो गया ना सिर, तो बाल आ जाते हैं। वैसे केशकांति तेल हमारा बहुत अच्छा है, दिव्य केश तेल, ये दिव्य फार्मेसी का हमारा प्रोडक्ट है। इसमें थोड़ी स्मेल दवाइयों की जरूर आती है, लेकिन अद्भुत लाभ होता है। हमारे हिंडोन के एक श्याम जी हैं, उनकी उम्र हो गई होगी करीब 65 के आसपास, 60 से 65 के बीच में। उनकी पत्नी उषा जी हैं, तो मेरे से एक दिन आए, ये कुछ वर्ष पहले की घटना है, कि जी सिर में खुजली से होने लगी। ये मैं आपको वास्तविक घटना बता रहा हूँ, कोई विज्ञापन करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, और कोई भी उनसे मिल सकता है, वो जिंदा है, उषा जी भी और उनके पति श्याम बंसल जी भी। तो बोले जी सिर में खुजली से होने लगी। तो मैंने उषा से कहा कि उषा क्या बात है, सिर में बड़ी खुजली से हो रही है, क्या हुआ? तो पता लगा कि वो लगातार कुछ दिनों से ये केशकांति और दिव्य केश तेल दोनों को मिला करके, क्योंकि केशकांति में थोड़ी सी खुशबू भी होती है, दिव्य केश तेल में खुशबू नहीं होती, दोनों को बराबर मिला लिया और उसको बालों में लगाते रहे, थोड़े थोड़े मसाज करते रहे। करीब 15 दिन तक उनको खुजली चलती रही, करीब 25 से 30% उनको लगभग 60 साल की उम्र में दोबारा से नए बाल आ गए। झड़ना तो दूर हो जाता, नए बाल आ जाते हैं। तो ये नए बाल का उपाय भी बता दिया, आंवले का प्रयोग किया करें।